हेलो जी प्रणाम, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। प्रणाम बाबा। जी प्रणाम। मैं बाबा वैसे तो आपको 2004 से मिला था, जी 2004 से आपसे जुड़ा हूँ, जी लेकिन मुझे बाबा एक प्रॉब्लम है, समस्या है गैस का। हाँ गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जिसमें हाथीपति चूर्ण में भी खाता हूँ, और अतिपति चूर्ण और हरिपति, ये दो चूर्ण मैं गया था यहाँ पे, आप कहीं है यहाँ अवैध जी बैठते हैं, उन्होंने दिया था मुझे, लेकिन मुझे गैस ठीक नहीं हो रहा होगा। तो गैस के लिए तो सिंपल है कि आप थोड़ा सा ये मेथी दाना भिगो करके उसका पानी पी लें और उसको दाने को अंकुरित होने के बाद खा लें। ये सुबह सुबह मेथी का पानी पी लें, और नाश्ते से जब कर रहे होते हैं तो उस समय थोड़ा मेथी का दाना जो है उसका अंकुरित हो जाता है। दो दिन में आप ऐसे गीले कपड़े में रख दीजिए, अंकुरित हो जाएगा। मार्च के बाद तो और ज़्यादा जो अंकुरण है वो तेज हो जाता है। तो आप अंकुरित ले लीजिए, और साथ ही साथ जो है आप खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। ये सबके लिए कॉमन बात बता रहा हूँ। एक तो खाना चबा चबा करके खाएं। चबा चबा करके खाने से जो लार है, उसको अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं, ये ज़्यादा निकलता है, उससे गैस कम बनती है। दूसरा, सलाद और फल, जैसे आप अनार खाने खाने से पहले आधा कटोरी अनार ले लीजिए, थोड़ा सा जो भी फल आपको उपलब्ध है, चाहे पपीता है, चाहे सेब है, जो भी फल है, या जो भी सलाद है, गाजर है, खीरा है, टमाटर है, जो भी आप सलाद आदि खाते हैं, पहले कच्चा खाना खाइए, सलाद खाइए, फल खाइए, और उसके बाद चबा चबा करके खाना में आपको ना ये प्रैक्टिस होती है, जिसकी जल्दी खाने की आदत है उसको धीरे खाने में बहुत दिक्कत होती है। आप धीरे धीरे खाना खाइए, उसका तुरंत आपको लाभ मिलेगा। फिर खाने के बाद आप छाछ में लवण भास्कर या हिंगवष्टक चूर्ण ले सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा गैस है तब हम कहते हैं थोड़ी दिन आप जो है ये गैस और चूर्ण 2-1 ग्राम ले लीजिए, फिर इसको रेगुलर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, त्रिफला चूर्ण निर्दोष होता है, आप कुछ दिन तक रात को खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से आधा या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। एसिडिटी होती है तब आप विपत्ति कर लेने की आवश्यकता, इतनी करने से आपको लाभ हो जाएगा।